तो सुनो मेरे दोस्तों, आज हम संस्कृत के बारे में बातें करेंगे, एक ऐसी भाषा जिसने पूरे साउथ एशिया की हिस्ट्री और कल्चर को शेप किया है। सबसे पहले तो ये जान लो कि संस्कृत सिर्फ पुरानी नहीं है, ये इंडिया की क्लासिकल भाषा है और हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की लिटर्जिकल भाषा भी। जरा सोचो, एक भाषा जो इतने सारे रिलीजन्स को इन्फ्लुएंस करती है। अब शायद तुम सोच रहे होगे, पुरानी तो आजकल बोली नहीं जाती। अरे नहीं, तुम हैरान हो जाओगे, संस्कृत का रिवाइवल हो रहा है। दुनिया भर के योगा स्टूडियो में ओम का चैंट हो या स्कॉलर्स जो पुराने टेक्स्ट्स को खोल रहे हैं, संस्कृत जिंदा है और खूब चल रही है। और सुनो एक मजेदार बात, संस्कृत का स्ट्रक्चर इतना प्रिसाइज है कि नासा ने भी इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग में यूज करने के बारे में सोचा था। पुराना जमाना मीट्स हाईटेक, है ना। इसके अलावा अगर कभी इंडियन ट्रेडिशंस के मैंट्रा और रिचुअल्स से तुम इंप्रेस हुए हो तो तुम संस्कृत से टच्ड हुए हो। इसका लिटरेचर और फिलोसफीज इंडियन लाइफ के हर पहलू में बुने हुए हैं, रोज की प्रेयर्स से लेकर महाभारत और रामायण जैसी महाकाव्यों तक। तो अगली बार जब भी कोई संस्कृत शब्द सुनो या योगा क्लास में देखो, तो याद रखना तुम इंसानी हिस्ट्री के सबसे पुराने धागों से जुड़ रहे हो। कूल है ना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, एक्सप्लोर करते रहो और क्यूरियस बने रहो। कौन जाने आगे कौन से एंशिएंट सीक्रेट्स तुम डिस्कवर करोगे।